सम्मेलन में मंच पर उपस्थित आदरणीय लखाव साहब, बहन अनीता जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष लासा सिंह जी, मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह जी और हम सबको एक लंबे समय से संगठन और संगठन के आधार पर सक्रिय करने के लिए यहाँ पधारे हुए आदरणीय राणा जी, पार्टी के सभी मेरे वरिष्ठ साथी भाइयों और बहनों, हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसका निर्माण करने वाले लोगों ने देश की आजादी के तुरंत बाद इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की, जब तक इस पार्टी का प्रारंभ क्यों किया और हम करना क्या चाहते हैं ये हमारे दिल और दिमाग में साफ नहीं होगा, तब तक शायद हम जिस मंजिल तक जाना चाहते हैं उस जाने में कहीं न कहीं अड़चन महसूस करेंगे। हमने पार्टी राज के लिए नहीं बनाई थी उस समय, अगर आपने देखा होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राज को ठोकर मारी, नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रहते हुए भी मंत्रिमंडल का त्याग किया केवल एक कारण से कि जम्मू कश्मीर में डोगरा जी के द्वारा जिस आंदोलन के द्वारा जनसंघर्ष चल रहा था और जिस ढंग से उसको कुचला जा रहा था, जम्मू कश्मीर में दो झंडे हो गए थे, एक हिंदुस्तान का झंडा अलग, वहां का अलग, विधान अलग, प्रधानमंत्री अलग। प्रारंभ में एक बच्चा बहुत छोटा था जनसंघ का, लेकिन जनसंघ के बच्चे को उत्पन्न करने के पीछे जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण की नीति से परेशान होकर देश की आजादी के बाद जो स्वप्न देश ने देखा था उसका एक तरह से गलत पगडंडी पर देश जा रहा था। जिस ढंग से देश एक नेहरू के नेतृत्व में रसातल का रास्ता ले लिया था, देश को एकीकरण के लिए पटेल ने जिस बखूबी से इस देश की सारी रियासतों को जोड़ करके एक साथ कर दिया, आपने देखा होगा जो समझ में आया तो जहां आवश्यकता पड़ी प्रेम से पुचकार कर, जहां नहीं समझ में आया उसको धमका कर डरा कर हिंदुस्तान को एक करने का काम कर लिया। लेकिन नेहरू को एक काम दिया केवल कश्मीर समस्या का हल करने का, उसने उसको रसातल में डाककर आज तक वो फोड़ा नासूर नहीं अब तो बिल्कुल कैंसर का रूप लेकर के उस कश्मीर को मरणासन्न स्थिति पर ले जाकर खड़ा कर दिया। इस पीड़ा से दुखी होकर के उन्होंने राज को ठोकर मारी कि ये तुष्टिकरण किस सीमा तक जाएगा। देश का बंटवारा हुआ, बंटवारे में हमने 48 करोड़ रुपया केवल पानी समझौते के नाम से पाकिस्तान को दिए, हमने जो जो खुश करने के काम हो सकते थे वो सब काम किए, लेकिन उसके बाद भी इस देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसा बड़ा दिग्गज लेकिन रास्ता भटक गया था। इस भटके हुए रास्ते को देश के ऊपर लाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन तक को बलिदान दिया। और मैं आज आप कह सकता हूं अगर कश्मीर में अगर तिरंगा झंडा फहर रहा है, कश्मीर का प्रधानमंत्री और राज्य हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री अगर कहलाता है उनके त्याग के कारण से, हिंदुस्तान का संविधान अगर लागू है तो उनके कारण से, उनके इस बलिदान ने हिंदुस्तान को एक जोड़ा, एक किया। हम उस बलिदानी खून में से पैदा हुए लोग हैं, हम राज की कुर्सी चाटने वाले लोग नहीं। ये तो एक माध्यम है इस काम करने का, लेकिन सोच तो यही है कि देश को कैसे ठीक करें। बंधु, आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, आप एक छोटे से मंडल के कार्यकर्ता हैं, अगर सारे हिंदुस्तान के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टटोलें तो मेरे हिसाब से अब हम अधिकांश राज्यों में ठेठ पोलिंग तक हमारा कार्यकर्ता पहुंच गया है। पोलिंग तक का कार्यकर्ता है, हम देशभक्त कार्यकर्ता हैं, हम चरित्रवान कार्यकर्ता हैं, हम समर्पित कार्यकर्ता हैं, फिर इस राक्षस का वध क्यों नहीं हो रहा है? फिर इस राक्षस रूपी इस कांग्रेस का वध क्यों नहीं कर पा रहे? इसका मतलब कहीं कहीं हमें अपने कर्म शक्ति पर या तो यकीन नहीं है या अपनी कर्म शक्ति का उपयोग करके इस देश को बचाने की मन में भावना नहीं है, अन्यथा तो कोई और कारण हो नहीं सकता। हमारे पास जितने कार्यकर्ता है वैसा हिंदुस्तान की किस पार्टी के पास कार्यकर्ता है? और कांग्रेस के पास तो
खरीदे हुए कार्यकर्ता हो सकते हैं, पैसे के कार्यकर्ता हो सकते हैं, हम तो अपना जीवन लगा करके यार सब कुछ खो करके भी यहाँ अगर मर रहे हैं पच रहे हैं तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए पच रहे ना। जब इतना समर्पण, इतना त्याग, इतना श्रेष्ठ जीवन, इतने गुण सब होने के बाद भी मुल्क त्राही त्राही कर रहा है, फिर इस समस्या का निदान करेगा कौन? आप जैसे देशभक्त लोग भी अगर समस्या का निदान नहीं करोगे तो बंधुओं कौन करेगा? आज तो ऐसा लगता है कि यार हिंदुस्तान जैसा धनाढ्य देश आज ऐसे कंगालियों के हाथ में पड़ गया। इस देश की धरती में क्या कमी है? हमारी धरती में जितना गुभर कर खनिज छपा है दुनिया के किस देश के पास है? कौन सी चीज ऐसी नहीं जो इस धरती के गर्भ में नहीं है? हमारी धरती इतनी उपजाऊ है कि जितने फल फूल और जितनी चारों से फसलें पैदा होती दुनिया में कहीं नहीं। हमारी जैसी नदियां हिमालय से निकल करके एक मीठा जल का स्रोत बनकर के हिंदुस्तान को सींच रही है उसका नहीं है। हमारी सीमाएं साला हिमालय तय करता और हिंद महासागर तय करता है, ऐसा जमीन का टुकड़ा है किसके पास यार? है ना, हमारी धरती ये माँ की कोख से भगवान पैदा करती है यार, ये कोई ऐरी गेरी धरती नहीं है। यहाँ कौशल्या की कोख से राम को पैदा किया, जिस दिन पैदा हुआ वो भगवान राम नहीं था लेकिन अपने आप को उठाते उठाते भगवान राम के स्वरूप में आकर खड़ा हो गया। यहाँ माँ की कोख से ऐसे श्रेष्ठ अभी विवेकानंद कल गया है। हम में से कई लोग सोचते हो सकता है राम पैदा हुए कि नहीं हुए, कुछ बड़े जो आजकल बड़े ज्ञाता और विद्वान माने जाते हैं ना उनका कहना है राम भैरवाग नहीं हुआ, कृष्ण हुआग नहीं हुआ। उन सब मूर्खों को समझाओ विवेकानंद तो अभी हुआ, जो तेरा दादा भाई बता सकता है कि विवेकानंद धरती पर आया है और वो भी किसी माँ की कोख से आया है और उसने हम संपूर्ण दुनिया को अपने देश की मर्यादा और अपनी देश की विशेषताओं से परिचित ही नहीं कराया, एक तरह से संपूर्ण दुनिया को अपने मान संस्कृति का एक तरह से अनुयायी बनाकर खड़ा करने की ताकत अगर किसी में थी तो विवेकानंद अभी गया है भैया, जिसकी अपन ने 150वें वर्ष मनाया। क्या कमी है इस देश में? है ना, आदमी की कमी है। हमारा यहाँ का नौजवान जिस ढंग से लड़ता है ना, दुनिया की कौन फौज मुकाबला कर सकती है? आपने देखा होगा 65 का जंग हमने देखा था, मैं उस समय एमए प्रीवियस में पढ़ता था। लाल बहादुर शास्त्री जैसा एक 5 फीटिया प्रधानमंत्री जिसके बारे में कोई किसी को अंदाज नहीं होगा, लेकिन किस बहादुरी के साथ अपनी सेना का हिम्मत बढ़ाने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ वो लाल बहादुर शास्त्री हुआ। लेकिन कांग्रेस का दिमाग का दिवाला निकल गया, एक योजना उस लाल बहादुर शास्त्री के नाम से नहीं है, पूरी की पूरी इनके खानदान के नाम से, नेहरू जी के नाम से, इंदिरा जी के नाम से। और आजकल तो जो योजना लिखे राजीव गांधी, क्योंकि उसकी पत्नी टिकट देगी और सरकार बनाएगी राजीव गांधी। क्या इस देश का दुर्भाग्य नहीं? क्या कौन सा लोकतंत्र चला रहे हो? क्या लोकतंत्र की मर्यादा की सीमा रही है? आपने देखा होगा 65 में जब पेटेंट टैंक 6 इंची मोटर चादर का पेटेंट टैंक हिंदुस्तान को रोंदता हुआ आ रहा था, है ना, हमारी सेना का जो भी गोला बारूद जाता ना वह खुश कर रहे हो जाता, लेकिन उसके कुछ बाल भी बांका नहीं होता। लेकिन हिंदुस्तान की मां ने ऐसे बहादुर बच्चों को पैदा किया जिन्होंने तुरंत लगाया इस राक्षस को रोकना होगा और इस राक्षस को रोका जाएगा। आपने देखा होगा अपने साथ हथ गोले लेकर सीने पर भी गोले बांध करके और गया और रेंगता रेंगता जाकर उसकी छाती पर चढ़कर उसके चिमनी से बम फोड़ करके उसको भी उड़ाया और स्वयं उड़ करके उसके साथ ओ विदा हो गया। लेकिन उसने माचिस की डिब्बियों की तरह से उस पैकेजिंग को तोड़कर फेंकने का अगर साहस और हिम्मत किसी में थी, इस हिंदुस्तान की माँ की कोख से पैदा हुआ बेटे में थी जो दुनिया में किसी के पास। हमारे यहाँ क्या कमी है यार? आपने देखा होगा कारगिल में सीमा के ऊपर है ना, कारगिल के ऊपर पाकिस्तान, नीचे मेरा जवान है ना अपनी जान की बलि दे रहा था, और उसके बाद आपने देखा होगा उसने झंडा तिरंगा गाड़ करके कारगिल को फतेह करके आपको और मुझको सावधान किया है कि हम शूरवीरता में कमजोर नहीं, हम बुद्धि में कमजोर नहीं। हमारा बालक चाहे अमेरिका गया, चाहे इंग्लैंड गया, चाहे किसी भी देश में गया ना, अपनी बुद्धि का लोहा मना करके खड़ा हो गया। इसीलिए तो ओबामा को कहना पड़ा हे अमेरिकन पढ़ो रे पढ़ो, नहीं तो ये सारे हिंदुस्तानी आ जाएंगे। बुद्धि में कमी नहीं, धरती में कमी नहीं, पानी में कमी नहीं, खनिज में कमी नहीं, धन दौलत की कमी नहीं, पर हमारे दिमाग का दिवाला निकल गया और इस कांग्रेस ने दिमाग का दिवाला निकाल दिया और इसके कारण से देश कमजोर है ना। ये धनवान देश में गरीब लोग रहते हैं, है ना, हमारी 65 साल की उपलब्धि है, 65 साल की उपलब्धि है। देश आजाद हुआ तब 23 करोड़ लोग गरीब थे, आज की तारीख में 48 करोड़ लोग गरीब है, ये उपलब्धि है देश की। क्या क्या चाहते क्या है?
और आप कार्यकर्ता जब तक अपने मन में इस पीड़ा को नहीं लेकर के बैठोगे, इस राक्षस का वध नहीं होगा। इस राक्षस का वध करने के लिए अपने अंतःकरण में ज्वाला चाहिए। आप और मैं इस सवाल का नहीं पूछ सकते हो कि आखिर भगत सिंह फांसी पे लटका तो किस पे लटका, क्यों दिया उसने अपना प्राण मुल्क को आजाद कराने के लिए। अरे वीर सावरकर यार, कुल्लू में बैल की जगह बनता था, खुले बदन पर हंटर खा करके तेल निकालता था, एक जन्म नहीं दो दो जन्म की कारावास भुगता किसके लिए कि मेरा देश ऐसा लुटेरा बेईमान चोर राजनेताओं का मुल्क बन के खड़ा हो जाएगा, सारा का सारा प्रशासनिक तंत्र भ्रष्टाचार में जल करके खाक कर देगा देश को, क्या इसके लिए प्राण दिया था, सोचा क्या था और हुआ क्या है, और वो भी कौन से देश में, लोकतंत्र के देश में। कमाल है, लोकतंत्र को स्वीकार किया, वोटों का राज बनाया और उसके बाद भी वोटों की यह दशा होकर खड़ी है ना। 65 साल में जिन्होंने 59 साल तक दिल्ली में राज किया है, इन्हें उनसे पूछो तो सही, यहाँ तुम भले आदमी हो, 59 साल तक तुम्हें दिल्ली का राज दिया, फिर इस देश की सीमाएं असुरक्षित क्यों है रे, जवाब तो दे रहे भले आदमी। चीन ने हमारी 141,000 किलोमीटर की जमीन को दबा के बैठ गया और पिछले 15 दिनों में 15 बार नहीं उसने 50 बार हमारी सीमा का उल्लंघन कर दिया। आपने देखा होगा जिस तरह से वो अरुणाचल में घुस करके आया और टीवी वालों ने आपस में गुत्थम गुत्था जब दिखाया, लगता है यार ये मुल्क है या क्या है, और हमारा प्रधानमंत्री के जीव है कि नहीं है, भगवान जाने, यार तू खोल के बता तो सही यार, बत्ती थी तेरे को भगवान ने जीव भी दिए कि नहीं दिए, यार कम से बता, क्या देश का दुर्भाग्य, ऐसा लगता है कि देश क्या हो रहा है ना। हमारी सेना का और सिपाही का, हमारा फौजी का सर काट करके ले जाता है और एक शब्द नहीं बोलता है। अरे तुझे इतनी शक्ति और ताकत किस लिए दी रे भले आदमी, अगर उसने एक सर ले गया तो उसको थ्रेटनिंग देता 24 घंटे में लापता, नहीं तो सारे एक की जगह 50 काट के नहीं लाऊं तो तब तक मेरी सेना लूटेगी नहीं, तब तो कोई मुकाबला होता और तब तो कोई बात होती, क्या तमाशा हो रहा है ना। आपने देखा अचानक हमला किया, सैनिकों को 4 को मौत के घाट उतार दिया, रोज लाशें आ रही है, राजस्थान के भी 2 शहीदों की लाश आ गई है। अरे बंधुओं विचार करो यार, किसी माँ ने अपने बेटे को पैदा करके गाजर मूली की तरह से कटने के लिए नहीं फेंका यार, मुकाबला होगा और मुकाबले में 2 गोली मारेगा 2 गोली खाएगा, ये तो संभव हो सकता है, पर गाजर मूली की तरह से काट दिया जाता है और सरकार नित्य बिल्कुल जवाब नहीं दे पा रही है। ऐसे देश में आप और मैं यहाँ निवास कर रहे हैं और हम कहते हैं राष्ट्रभक्ति का गीत गाते हैं, काहे का राष्ट्रभक्ति का गीत है, तेरे अंदर आग क्यों नहीं सुलगती है, तेरे मन में, ये इसको बंद कर दे दादा, आंखों पे लाइट पड़ती, आंखों पे लाइट पड़ती भैया, क्या अजीब स्थिति बनाकर खड़ी कर दी है ना। कश्मीर में जिस प्रकार का नंगा नाच देशद्रोहियों का चल रहा है, आप और हमने देखा होगा मुरली मनोहर जी को तिरंगा झंडा फहराने के लिए श्रीनगर के चौक में लाल चौक में जाना पड़ा, ये कोई काम है, ये क्या सरकार का काम है, ये हमारा काम है ना। आए दिन जिस प्रकार की हालात दिख रही है और जिस बांग्लादेश को हमने बनाया ना और हमारे फौजियों की बहादुरों ने दुनिया का इतिहास रच दिया यार, कोई बताए तो सही यार, दुनिया में ऐसा कोई जंग हुआ क्या जहां 92,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करा करके सैनिकों ने हाथ खड़े करा दिए, सरेंडर करा दिया, वो देश आज इतना कमजोर है, 92,000 लोगों को एक तरह से समर्पित करा दिया, उस बांग्लादेश को हमने बनाया, अपने कितने सिपाहियों की जान देकर के, कितने फौजियों को जान देकर के हमने बनाया, आज वो देशद्रोही हमारे हिंदुस्तान को निगल रहा है। 3 करोड़ बांग्लादेशी धर्मशाला में आकर के गडर मस्ती कर रहे हैं, यहाँ के वोटर बन गए, यहाँ का उनका राशन कार्ड बन गया, यहाँ उनको जमीनें मिल गई, यहाँ उनको मकान मिल गया, ये बांग्लादेशी जिनको हमने इन्हें पना दिया था आज वो देशद्रोहियों की नाटक कर रहे हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कभी बम रेलवे स्टेशन पे फटता है, कभी ट्रेन उड़ती है, कभी डिब्बा उड़ता है, कभी मंदिर उड़ता है, कभी मस्जिद में फटता है, कभी नवाज में फटता है, कभी यहाँ फटता है, कभी वहां फटता है, वाह कमाल है, क्या दशा बनाई। इसी के लिए इस लोकतंत्र में तुझे 59 साल तक हमने राहत दिया था कि तू इस स्थिति में इस हिंदुस्तान को पहुंचा देगा, न तू सीमाओं की सुरक्षा कर सकता है, न भूखे को 2 टाइम की रोटी खिला सकता है, क्या करेगा, अफसोस है, इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई जिन्होंने 59 साल तक दिल्ली में राज करने के बाद इन्हें गरीब का पेट कैसे भरेगा इसकी योजना बनाने की भी अकल नहीं थी।
इन लोगों को 59 साल में यह अकल भी नहीं आई, ये कल का बालक जो पैदा हुआ है ये 18 साल का, 20 साल का, 24 साल का होगा, इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, इसके बूढ़े माँ बाप होंगे, ये पेट कहाँ से भरेगा, कैसे भरेगा? अरे सरकारी नौकरी भाड़ में जाने दे यार, कम से कम इन हाथों को काम तो दे सकता था रे 59 साल में, तो 59 साल में काम नहीं दे सकता? तेरी योजना को चाटेगा ये पंचवर्षीय योजना को, और हिंदुस्तान को तेरे तबाह करके रख दिया। आज की तारीख में हिंदुस्तान का किसान जिस हलहलाक हालत में है उसकी पीड़ा को समझो तो सही। कार्यकर्ता बंधुओं, कभी गांव में जाओ यार, गांव में जाकर के आप में से कभी आपने देखा होगा गांव का दृश्य, अगर चोटी के बालक को घेरू का डिब्बा दे देना, एक कलम दे दे उनके, जहाँ बांका टेढ़ा मकान दिखे, टूटा फूटा दिखे, लिख दे ये किसान है, किसान है, और जहाँ पक्का मकान आए लिख देना ये राज का नौकर है या कोई व्यापारी है। ये है 65 साल की यात्रा, जो मेहनत करके अपना पसीना बहाता है, आपको हमूद को जिंदा रखता है, उसका बच्चा भूखा मरता है। ये मुल्क है, तमाशा है, ये लोकतंत्र क्या है? ये इसको लोकतंत्र कहा जाएगा? मेहनत करने वाला साला जब प्याज पैदा करता है तो 4 रुपए किलो में प्याज बिकता बापड़े उस गरीब किसान का, जिसमें खाद बीज सब कुछ डाल करके अपना पसीना बहाया, उसको हिंदुस्तान में 4 रुपए मिलता है, और बड़ा सेठ जो प्याज खरीद करके गोदामों में पैक करता है उसको 60 रुपया और 70 रुपया किलो मिलता है। ये क्या राज है? इसकी व्यवस्था तुम नहीं कर सकते? इन पे छापे नहीं मार सकते? जो इस प्रकार का ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, तुम सरकार चला रहे हो या झक मार रहे हो? ऐसे लोगों के साथ आज हमारा मुकाबला हो गया, और उसके बाद भी हमारे अगर खून में गर्माहट नहीं आती है तो फिर कौन बचाएगा इस देश को, कौन बचाएगा? किस हालात में पहुंचे हैं? जब राजनीति का कितना पतन हुआ है इसकी कोई सीमा नहीं है। हमें रोज एक टीवी पे दिखाता है रिफाइनरी रिफाइनरी, और मनमोहन जी चक्का चला रहे, पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखा रहे हैं यहाँ रिफाइनरी। मैंने पूछ यार है कहाँ यार, ये तो बता यार, ये बता तो सही रे भला आदमी, ये रोज ही टीवी बताती है रिफाइनरी रिफाइनरी। अरे भले आदमी ये बता दे यार, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी, ये किस जगह का फोटो खींच के बता रहे हो यार तुम, हमको समझाओ तो सही यार, कहाँ है? अब वापस नया नाटक हुआ, पहले गए वहां चक्का चला दिया, अब कहता नहीं पचभद्रा में चक्का चलाने सोनिया गांधी आएगी। क्यों? क्योंकि वोट के दिन आ गए, मौत के दिन आ गए, इसलिए अब चक्का दूसरा चलेगा, पचभद्रा में चलेगा। ये लोकतंत्र तमाशा, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को इन राजनेताओं में जिस हालात में पहुंचाया है उसका जवाब देने के लिए कुछ करना होगा। कभी हैंडपंप के ठूटे को वोट ठोकाता है, कभी स्कूल की दीवार को ठोकाता है, कभी प्राइमरी स्कूल को, कभी ये डिस्पेंसरी को, कभी सड़क को, कभी नाली को, कभी गिट्टी को, कभी खाली खंभे डाल करके वोट लेता है। हिंदुस्तान को वोटों के कारण से जिस हालात में लोकतंत्र का तमाशा बना के रख दिया, लोकतंत्र नहीं है जैसे उनकी जागीरी बन गई है, लोगों को धोखा दे करके वोट ठगने का धंधा 63 साल से चल रहा है। आप और मैं देख रहा हूँ कि अपने सबकी मौजूदगी में वो सफल हो रहा है, हम असफल हो रहे हैं। ये क्या तमाशा है, ये क्या चीज है, समझना चाहता हूँ ये कैसा चलाएगा। ये एक चुनौती है हमारे सामने, है ना? सारा का सारा देश भ्रष्टाचार की भट्टी में जलकर खाक हो गया आज। अफसोस, सवेरे अखबार पढ़ते हैं तो कोई ना कोई नया एक स्कैंडल निकल जाता है। अखबार को पढ़ते हैं, अगर एक ही दिन के अखबार की लाइनें इन नेताओं को सुनाए, ऊपर की लाइनों से लेकर नीचे एक अखबार को पढ़, 15 जगह कम से कम तेरा काला मुंह हो जाता है, ऐसी न्यूज उसमें आती है। 3 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर, क्या तमाशा है। थाने में पुलिस कर्मचारी के साथ ही पुलिस वाला ही बलात्कार, भारे क्या अजीब दृश्य बनाया है ना। राजस्थान की पुलिस 2272 बार, मेरे प्रश्न के जवाब में आया 2272 बार राजस्थान की पुलिस को अपराधियों ने पीट डाला और 15 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। ये सरकार है, तमाशा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसा राज चल रहा है? आपने देखा होगा जेल में गए, एक भाटा और रखा दिया सोनिया गांधी से, एक भाटा रखो, किस लिए रखो? हिमालय का पानी आ रहा, क्या 2 महीने में आएगा? मजाक कमाल कर दी, सब मर्यादाएं तोड़ डाली। इन्हें केवल सब तुमको तब याद आ रहा है जब चुनाव तुम्हारे तुमने भाटे दिखा देखा कर हिंदुस्तान को बहुत बार पागल बनाया है, अब की बार भाटे से ही इनको भाटा बनाना पड़ेगा, तब जाकर के इनको समझ में आएगा कि ये जेल में पानी कैसे आता है सोनिया गांधी के द्वारा। अब आश्चर्य होगा, एक एक विषय को देखो आप यार, कमाल है। मैं कभी कभी बोलता बोलता विधानसभा में थक जाता, मुझे लगता है क्या होगा, पागल हो जाऊंगा। अफसोस, सूरतगढ़ में गए भाटा रखाने के लिए,
क्या हो रहा है? थर्मल पावर, सुपर थर्मल पावर। ये सुपर थर्मल पावर तुम्हें पता है अशोक गहलोत जी? आज दिन तक तो जवाब दिया नहीं। मैं पूछ रहा हूं 4 अप्रैल से मैं लगातार पूछ रहा हूं, ये थर्मल पावर क्या चीज है यार, बता। ये तो 2008 और 9 के बजट में सूरतगढ़ में और 2 थर्मल पावर और 2 छबड़ा में थर्मल पावर 660 मेगावाट के हमने बजट में स्वीकृत किया है या चारों। और तुमने देखा होगा नवंबर 2009 में इसकी बीट कर दी थी, और बीट करने के बाद अप्रैल 2010 में बीट खोल दी गई। खोलने के बाद ये भेल को सबसे लोएस्ट था, सरकारी है भेल, केंद्र सरकार की एजेंसी है भेल, उसको ये देना था, लेकिन इन्होंने उसको नहीं दिया, लटकाए रखा। क्यों? क्योंकि कोई न कोई किसी बड़े का किसारे के आधार पर ये जितने चाटुकार और पैसे खाने वाली कंपनियां बना करके लूट रहे ना मुल्क को, वो नहीं आए थे। इसलिए भेल राज की कंपनी होने के बाद भी क्या पूछना चाहता था, जब लोएस्ट है, राज की कंपनी ने एक तरह से अपना टेंडर भरा है तो उसे दे देता ना नवंबर में, तो आज तो कम से कम 2013 में बिजली पैदा हो जाती कम से कम। ये भी कोई 660 मेगावाट इंटू 4, ये कोई सामान्य मेगावाट बिजली बनती। लेकिन इसलिए नहीं दी क्योंकि तुम्हारा चेहता कोई उसमें कंपनी नहीं आई थी। और इसलिए आपको सुन के आश्चर्य होगा इस विधानसभा का जो हास इस आदमी ने किया है, और उसने वापस इस नवंबर 2012 में फिर से टेंडर निकाला, पूरे तीन साल बाद फिर टेंडर निकालता है, और उस टेंडर में एक शर्त लगा दी, कोई भी कंपनी एक से अधिक यूनिट नहीं ले सकती, एक से अधिक। क्यों? वो जानता था कि भेल लेगी तो हमारे इन सारे को क्या मिलेगा, और इसके कारण से भेल को बाहर किया और अपने चेहतों को अंदर किया, और उसके कारण से वह पहिया चलाने के लिए और वह भाटा रखने के चले गया। सूरतगढ़ में थर्मल पावर बनेगा जरूर, पर बिजली का करंट तार में नहीं आएगा, कागज के छूते में। क्या तमाशा है, न कुछ है न कुछ नहीं। और कहता है रोज हर भाषण में एक ही बात कहता है, मैंने 48% बजट राजस्थान का बिजली में खर्च कर दिया। तो गई कहां रे, बता तो सही रे भले आदमी, कहां गई तेरी बिजली? हवा में उड़ गई है ना, सारी इंडस्ट्री तोबा तोबा करके भाग रही है यहां से, है ना। किसान मर रहा है उसके कोई चिंता नहीं है ना, पढ़ने वाला बच्चा रो रहा है, दिन में 10-10 बार लाइटें जा रही है, और उसके कारण से आपने देखा होगा चोर रस्ते से बिजली का बिल बढ़ाता है, कहता है इतना मोटा बोर्ड लगा करके हर गाड़ी के पीछे 5 साल तक किसान की बिजली का कोई दाम नहीं बढ़ाया। मैंने कहा अशोक गहलोत जी, आपके अगर खेती हो और कुआ हो तो आप एक 2008 का बिल लिया ना नवम्बर का, और अभी 2012 का नवंबर का बिल लिया ना, और आंख खोल करके इस सदन में पढ़ना कि तेरा बिल वही है या तेरा बिल बड़ा हुआ है। ये चोर रस्ते से घुस करके तुमने किसान को मार डाला, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं। आज पढ़े लिखा बच्चा कितना परेशान है, आपको आश्चर्य होगा। और उसके बाद भी अगर अपन चुनाव नहीं जीत सकते तो मुझे लगता है यार अपने को अपने खून में गर्माहट ही नहीं। मैंने विधानसभा में एक क्वेश्चन लगाया, बंधु मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कार्यकर्ता हो, जब तक आपके मन में आक्रोश और गुस्सा नहीं आएगा इस जालिम का दफन नहीं होगा। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने विधानसभा कहा तुमने अपनी बजट घोषणा में कितने नौजवान को नौकरी देने के लिए कहा, इतने का मैंने पहले साल, मैंने वो सूची विधानसभा के फ्लोर पे ली है ना, पहले साल की घोषणा 65,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी, फिर उसके बाद 67,000 को मिलेगी, फिर उसके बाद 92,000 को मिलेगी, फिर उसके बाद 81,000 को मिलेगी, और आपके बजट में 1,45,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी। ये सारा जोड़ करके 4,500 बच्चों की नौकरियों का सवाल आया। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, तुमने 4.5 साल में कितने बच्चों को नौकरियां दी? उसने कहा 65,000 बच्चों को नौकरियां दी। मैंने तीसरा प्रश्न उसके साथ और लगाया था, इस 4.5 साल में सेवानिवृत्त कितने कर्मचारी हुए थे? 48,000 सेवानिवृत्त हो गए, धन्य हो तेरे को, 17,000 लोगों को रोजगार देकर के तू मुल्क चला रहा है। नाटक हो रहा है, शिक्षा का जो बंटा ढाल इस आदमी ने किया है और इसकी सरकार ने किया, षड्यंत्र है। क्योंकि कांग्रेस का राज तभी तक जिंदा रहेगा जब तक गरीब आदमी इस हिंदुस्तान में जिंदा रहेगा, तब तक कांग्रेस का ये नोट चलेगा, और जब तक अंगूठा छाप आदमी रहेगा तब तक कांग्रेस का जय जयकार होगा। 38% की साक्षरता, और अभी आपने देखा होगा अमेरिका में इलाज करने गई या पूछने गई थी कि अब मेरे इन पढ़े लिखे बच्चों को कैसे रोकूं तूफान को, तो सरकारी स्कूल में 8वीं तक पास होने की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरा काका जी पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा?
कौन पढ़ता है? आप और हम जो यहाँ बैठे हैं ना, मेरी गारंटी 80% के बच्चे किसी न किसी टाई वाले स्कूल में जाते हैं। हमें क्या पीड़ा समझ में आती है? गरीब का बच्चा जहां पढ़ता है ना, वो दिन भर सब्जी लेकर रोती फिरती गली गली में, सब्जी ले, उसका छोरा जाता है। ये जो फुटपाथ पे मालिश ना पॉलिश करा होगा ना, इसका बच्चा जाता है। वो दाढ़ी गोटने वाला का बच्चा जाता है, वो प्रेस करने वाले का बच्चा जाता है। जिसके जेब में पैसे नहीं होते ना, उसका बच्चा कहाँ जाता है? सरकारी स्कूल में। उसमें कोई पढ़ाई ना रखाएगा तो नहीं, नवीं में चला जाएगा। और तुम्हारे टाई वाले बच्चे हैं सब 80% के नंबर से पास होंगे, और मेरा बच्चा 3 डंडे लेकर के पास होगा, क्योंकि मास्टर तो तुमने लगा है नहीं, तुमने सब्जेक्ट टीचर तो है नहीं। कभी गणित वाला है तो अंग्रेजी वाला नहीं, अंग्रेजी वाला है तो कॉमर्स वाला नहीं, कॉमर्स है तो विज्ञान का नहीं, व्याख्याता नहीं। एक मास्टर से 150-150 बच्चों को घेरे जा रहा है। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है यार? अरे कम से कम भेड़ चराने वाला भी 2 भेड़े वालों को साथ रखता है, तब 150 भेड़ों को वापस घर शाम को लेकर के आता है। तुमने मेरे बच्चों का क्या दुष्टा की, क्या करा है तुमने ये? और उसके बाद भी क्या नहीं करा? आपने देखा होगा आजकल भर्तियां चल रही है। समझ जाओ यार, कम से कम समझाओ इस जनता को क्या हो रहा है ये। और इसने कह दिया कि अब 10वीं और 12वीं के नंबर जोड़ करके नौकरी मिलेगी LDC की, 10वीं और 12वीं की मेरिट जोड़ेंगे। अब मेरे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले बच्चे की जोड़ो मेरिट जोड़ो, वो साला 60 से नीचे रह जाएगा, 80% 20% ऊपर जाएगा। और ये सारे जितने टाई वाले स्कूल हैं, ये इतना ही ठोका ठोकी करते हैं, इनका कोई बच्चा 70% से नीचे तो होता ही नहीं, तो उसका पेरेंट्स उसको स्कूल से निकाल दे बच्चे को। और मेरी गारंटी है, मेरे 3rd क्लास और 2nd क्लास के बच्चे का मुकाबला इन टाई वालों से कराओ, मेरी गारंटी है मेरा बच्चा उससे ज्यादा कैलिबर का बच्चा है। समाचार, इन्होंने एक IAS बनाया तो बता दो यार, ये जितनी टाई वाले स्कूल से जितने बच्चे निकले ना, इस अजमेर के शिक्षण संस्था को टटोल डालो, इन्होंने एक IAS बनाया होगा। लेकिन गांव के एक मास्टर ने अपने स्कूल में पढ़ा के बच्चे को IAS जरूर बना दिया। हमारी शिक्षा कमजोर नहीं है, पर ये सरकार चाहती नहीं, ये चाहती नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़े और हमारा बच्चा पढ़ करके नौकरी लेवे। और इसलिए जब 8वीं तक पास नहीं होता तो धक्का मार बच्चा जब जाएगा, और जब ये 10वीं में पढ़ेगा तो फिर ये बाहर आने के बाद सड़क नापने के अलावा कुछ नहीं। और जब सड़क नापेगा ना तो भूखा तो कायर मराता है, भूखा वो मरता है जो कायर होता है। अगर मान लो मेरे बाल बच्चे हैं और मैं अगर किसी तरह से पेट नहीं भर सकता हूं, तो मैं दूसरे की टोपी तोड़ करके भी पैसे लाऊंगा, पर अपने बच्चों को रोटी खिलाऊंगा। उस तड़पते हुए बच्चे को नहीं देख सकता, उस रोते हुए बच्चे को नहीं देख सकता मैं। इस कारण से सारा देश को भ्रष्टाचार पे जला के खाक कर दिया। वो कांग्रेस हमसे जीतती है तो हमको क्या कहना है? हम कार्यकर्ताओं को कुछ लगता है? यानी देश का भ्रष्टाचार कहां से शुरू हुआ? नेहरू, तेरी खानदान से शुरू हुआ। तेरी जन्मपत्री बांटता हूं, मैं बताता हूं तुझे, तू भ्रष्टाचार की बात करता है। पटवारी पैसे लेता था, लेगा, जिसका बाप चोर उसकी औलाद चोर पैदा होती है, उसमें औलाद का क्या दोष है? क्या दोष है उसका? तूने तो सारा भ्रष्टाचार में जला दिया इस देश को। यानी पहला भ्रष्टाचार नेहरू के टाइम पर कृष्णा मेनन ने किया, लोकसभा में जीपे खरीदने के उसमें त्याग पत्र देना पड़ा। दूसरा भ्रष्टाचार इंदिरा गांधी ने किया, फर्जी दस्तखत करके बैंक से 60 लाख रुपया उठाया था, वो नागरवाला कांड दफन हो गया। तीसरा यही जिनका नाम से दे योजना, ये 65 करोड़ का दलाल कौन था यार, बता तो सही। राजीव गांधी के दिमाग में 65 करोड़ की दलाली साबित हो गई, लेकिन कोई भी मुलजिम नहीं बना। और उसके बाद नरसिंह राव का टाबर एक दाना यूरिया का नहीं लाया, 250 करोड़ रुपया का चूना लगा गया। वो तो 100, 200, 250 तक आए, और अब तो 1,76,000 खा जा तो डकार नहीं लेता। ये कांग्रेसी है क्या यार? दुर्भाग्य, इस देश का क्या हालत होगी समझ में नहीं आया। 1,76,000 करोड़ का है ना घोटाला, और उसके बाद तो छोड़ो, देश का प्रधानमंत्री 1,86,000 करोड़ का कोयला खा जा रहा है, तो कौन बचाए इसको? अब इस देश को क्या होगा यार? इधर देखो, भ्रष्टाचार की भट्टी में देश चल रहा है। और इस भ्रष्टाचारी राक्षस को अगर खत्म करना, तो देश दोस्तों, अगर तुमको वास्तव में रावण मारने की मर्जी है और खाली नाटकबाजी करके राज खोजने की इच्छा, तो खोज लेना, कुछ न्याल जनता हिंदुस्तान की नहीं हो सकेगी। तुम अपने में ईमानदारी लाओ। अगर तुम्हें रावण मारना है ना, तो राम बन करके तो रावण को मारा जा सकता है, रावण बन करके रावण को मारने जाओगे तो उल्टी मौत मरोगे, याद रख लेना। हम ही गलत रास्ते पे जा करके अगर परिणाम चाहते हैं तो परिणाम नहीं कभी देगा। बाकी तो ईश्वर, अगर तुम्हारे पुण्य होगा ना
तो ईश्वर तुम्हें हर रास्ता दिखा करके देगा, मेरी गारंटी है। हमें पता ही नहीं था 73 में 74 में हम जिस हालात में उस समय कांग्रेस के सामने थे, है ना, हमको कोई गांव में भूंगड़ा चुनाव के दिनों में देने वाला नहीं था, हमको जाजम पे बिठाने वाला कोई नहीं था, हमको कहीं बैठने नहीं देते थे, हम जाकर कहीं मंदिर में जाके सो करके चुनाव का काम करके आते थे, ये चमोतर की बात थी। लेकिन आपने देखा ईश्वर की लीला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला होना हुआ, इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित किया, उसका दिमाग खराब होना हुआ, इमरजेंसी लगा, बेगुनाह को जेल में ठूस करके उसने अपना अहंकार की तुष्टि कर ली, लेकिन भगवान ने चाबी ऐसी घुमाई कि गाय बछड़ा दोनों को रवाना कर दिया। पता है ये चमत्कार होता है, ये अपने पुण्य का चमत्कार होता है। अगर तुमने ईमानदारी से निष्ठापूर्वक देश सेवा का व्रत लेकर काम किया तो ईश्वर तेरे लिए सब प्रकार की योजना करेगा। और अगर तूने स्वयं भ्रष्टाचार की भट्टी में जलने का तय कर लिया कि राज की कुर्सी पर केवल इसलिए आया हूँ, राज के इस पदों पर इसलिए बैठा हूँ ताकि बड़ा घर बनाऊं, बड़ा खाऊं, अरे तू बड़ा घर बना के सोएगा तो भी 6 फीट में ही सोएगा और चौड़ाई 3 फीट ही चाहिए, इससे ज्यादा तू कितना ही लंबा चौड़ा हो जाए कुछ नहीं हो सकता, और पेट में 2 रोटी चाहिए कम से कम। इन राक्षसी का कांग्रेस के इस भ्रष्टाचार को मिटाना है, एक कार्यकर्ता बंधु चाहे तेरे को पद छोटा मिले या बड़ा मिले, राम धर्म से काम करना सीख जा। तू दीनदयाल का और दीनदयाल की पैदाइश ही है, जिस दीनदयाल ने अपने सारे जीवन के कपड़े एक अटैची में रखकर, जिस भंडारी ने, सुंदर सिंह भंडारी ने अपनी एक अटैची में अपनी जिंदगी की सारी बदौलत रख दी, उसका आज ही अनुयायी अगर गलत रास्ते पर जाने का सोचता है उससे ज्यादा निकम्मापन और कोई नहीं हो सकता। हम निश्चित कांग्रेस को मारेंगे और इसको परास्त करेंगे, लेकिन तुझे प्रण पे आना पड़ेगा, लेकिन तुझे स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। हम इस तरह से गलत रास्ते के आधार पर इतना नहीं पहुंचेगा। मैं आपको ज्योतिषी नहीं हूं, ना ज्योतिषी कोई विश्वास करता हूं, पर मैं देख रहा हूं जिस दिन से नरेंद्र मोदी का नाम है ना उस दिन से हिंदुस्तान की हवा बदल गई। जहां जाओ मरने जहां जाते हैं ना शमशान में तो वहां गरीब अमीर सब आते हैं, वो कहते हैं यार मैं जिंदगी भर कांग्रेस को वोट दिया पर गुलाब जी अवर के नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा, वो कांग्रेस ही कहता है। जिस प्रकार की हालात बदले है ना, गांव का अनपढ़ गंवार भेड़ चराने वाला भी कहता है कि मैं मोदी को वोट दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि मोदी में करैक्टर है। अरे यार ये आप और मेरी पार्टी है, एक ठेले पर चाय बेचने वाला कार्यकर्ता आज की तारीख में गुजरात का मुख्यमंत्री 30वीं बार बना और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की दौड़ने के लिए आज आगे आकर खड़ा है। अरे ये मेरी पार्टी है जो इतने छोटे कार्यकर्ता को भी उठाकर उस पद पर भेजने के अगर कोई कर सकता है ना, ये बीजेपी कर सकती है। कांग्रेस में तो सारे चाटुकारों को पद मिला करता है, लेकिन यहाँ मेहनत करके काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पद मिलता है। या नितिन गडकरी पोस्टर चिपकाने वाला एक कार्यकर्ता हिंदुस्तान की उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है जिस पार्टी ने दिल्ली में राज किया, 7-7 राज्यों में जिसके मुख्यमंत्री काम करते हो, उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता है ना पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। ये कांग्रेस में बन सकता है क्या? ये तुम्हारी मेरी पार्टी का फर्क नहीं समझ में आ रहा है, हमारे काम करने के तरीके में समझ में नहीं आ रहा है। जब हमारे पास सब कुछ है फिर दिवालिया क्यों है, फिर क्या हो गया? और अब की बार का चुनाव ये निर्णायक चुनाव होगा, क्योंकि जितनी रीतियां तय हो रही है, आज भी मैंने विधानसभा में पूछा था, मैंने कहा था कि अंतर जाति विवाह का तेने 5 लाख रुपया जो दे रहा है, ये अंतर जाति विवाह इच्छा से हो रहा है कि लूडन खटोले में ले जा रहे उड़ा उड़ा करके लड़कियों को और 5 लाख रुपया और ले रहे, हमारी बेटियों को भी ले जा रहे हैं और बेटियों को ले जाने के बाद 5 लाख गिफ्ट में और मिल रहा है। अच्छा अगर इसी तरह से परिवारों को बर्बाद करने का तुमने तय कर लिया है वोटों के पीछे तो हमें सोचना पड़ेगा। इन्हें एक एक कदम इतने गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा एक एक कदम जिस ढंग से जा रहा है, केवल उसको परिक्रमा में इसलिए रोक रहा है कि उसके वोट नहीं खिसक जाए, और दोनों इसलिए लड़ रहे हैं ये वोट तेरे की मोटे, ये तेरे के मेरे, दिल्ली सोचे मेरे आवे, इस हत्या मेरे आवे, वोट की लड़ाई में और रोज सांप्रदायिक सांप्रदायिक। कल मुख्यमंत्री जी पधारे, वहां जाके कहा ए सांप्रदायिक है, अरे तो हम पैदा हुए उस दिन से बोल रहा है, भले आदमी तेरी जीबान घिसी नहीं अभी तक, जब से हमारी पैदाइश हुई तब से तू हमें सांप्रदायिक सांप्रदायिक सांप्रदायिक, और जब कभी भी देश पे संकट आता है तो सबसे पहले अगुवाही हम, तब तो हमें राष्ट्रभक्ति का तुकमा देता है। तेरे नाना जी से पूछ क्या 62 के 3 के आक्रमण के समय क्या दुर्दशा बनी थी तुम्हारी, सारा देश रो रहा था, तुमने सारा जूता फैक्ट्रियां बना दी थी शस्त्र फैक्ट्रियों को, और मां स्वयं नेहरू जी ने माथे पे हाथ देकर के कह दिया मैं भूल में रह गया, मैं हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और पीछे से कट खुशा तो समझ में आ गया ये क्या हुआ 20 अक्टूबर का दिन
उस दिन समझ में आया। और उस दिन जिस संघ से तुम नाराजगी और जाहिर करते थे ना, दिल्ली का सारा प्रशासन, इसी जवाहरलाल नेहरू ने संघ के जुम्मे किया कि नहीं किया कि तुम दिल्ली का सब व्यवस्था संभालो, हम सीमा पर अपनी लड़ाई करेंगे। और आपने जिस जिम्मेदारी से देकर उस परेड में जो 26 जनवरी की परेड होती है उसमें संघ के स्वयंसेवकों ने भी अपने बैंड के साथ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। हमारे कलेक्टर को तू कहां असेसमेंट करेगा, है ना। मैं चाहता हूं कि आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि यार ये छोटी मोटी बातें भूलो यार, इस समय देश संकट में है। अगर इस समय तुम देश को नहीं बचा पाए तो फिर तुम और हम सब देखते रहेंगे, फिर तेरा भगवान ही जाने इस देश का क्या होगा। इनको अगर 5 साल और मिल गए ना तो सारा बुलडोजर के नीचे देकर के इस सब को खत्म कर देंगे। न हमारा मंदिर मस्जिद बचेगा, न हमारी इज्जत बचेगी, न हम लोग साबत बचेंगे। हमको जेल के सीकचों में ही जाना है तो जेल के सीकचों में ही जाना है तो पहले ही साले को दानों का वध क्यों नहीं कर दिया जाता है जो हमको मौका मिला। और इस समय ये मत सोचो इसको टिकट मिलता है इसको, जिसको मिले यार, जो कमल का फूल लेकर के आए मैं सौगंध खा के कहता हूं मैं उसको जीताऊंगा जो लेके आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई बेईमानी करता है और कोई आधा टेढ़ा चलता है उससे ज्यादा देशद्रोही कोई नहीं होगा। एक तरफ देश की दाव पे लगा हुआ है, देश संकट के अंदर फंसा हुआ है। हम आज जो कुछ काम कर रहे हैं वो गुलाबचंद कटारिया और पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे सामने मुल्क नंबर 1 पर है। आज मुल्क स्वयं संकट में आकर खड़ा हो गया है। मेरी पार्टी राज करेगी या नहीं करेगी कोई चिंता की बात नहीं, पर इस देश को बचाना मेरा धर्म है और इस धर्म को पूरा करूंगा, चाहे मेरा कितना ही अपमान क्यों न कर ले, चाहे मुझे कितने ही जहर के घूंट क्यों न पीना पड़े, लेकिन इस समय कोई परंतु फरंतु नहीं खड़ा करूंगा। मैं ईमानदारी से अपनी पूरी ताकत, और आज तो आपने जब कहा ना कि हमारे प्रत्येक पोलिंग 88 पोलिंग और हर एक जगह हमारे पास कार्यकर्ता की सूची है, आज उस कार्यकर्ता को जगाने की आवश्यकता है। जब तेरे पास 10 कार्यकर्ता 20 कार्यकर्ता है, वोट तो 800-900 ही है ना, 800-900 1000 वोट को तेरे को 20 कार्यकर्ता में बांटना है तो 25-25 ही तो पांती आते और कितना आता है, क्या चीज है 50 वोट तेरे पांती आता है। क्या तेरे में इतनी क्षमता भी नहीं है कि 50 वोट को समझा कर सके। इसलिए नहीं कि मुझे राज करना है या मुझे मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए कि इस देश को बचाना है इस राक्षस से। इसलिए आप और सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है बंधुओं, अरे यार दोबारा मनुष्य न तुम बनोगे न मैं बनूंगा, कम से कम अपनी आंखों से कुछ देख तो जाए यार, कुछ देखें तो सही, देख सकते। विश्वास पक्का है कि हम अपनी आंखों से इस देश को उस ऊंचाई पर देखेंगे, और शायद ईश्वर की कोई कृपा से नरेंद्र मोदी का नाम आया है, ईश्वर की कृपा से ही आया है, जिस पर कोई दाग नहीं है, जिस पर किसी प्रकार का कोई छींटा नहीं लगा सकता है, और जिस मस्तैदी के साथ और जिस हिम्मत के साथ राज किया ना। मैं कई बार कांग्रेस को कहता हूं तुम कह रहे यार सब भ्रष्टाचारी लगा, अटल बिहारी वाजपेयी पे दबा लगा है, 50-55 साल तक राजनीति की, देश का प्रधानमंत्री रहा, पूर्व का आपने देखा होगा विदेश मंत्री रहा, तेरी माँ ने दूध पिला लगा है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पर एक धब्बा लगा यार, तो क्या कहना चाहता है, लगा अडवाणी जी पर लगा, एक आरोप खाली स्लिप का लगा, पर्ची के अंदर नाम निकल गया। अडवाणी जी ने लोकसभा का तिलांजलि देकर के उस दिन घोषणा करके आया, जब तक निर्दोष साबित नहीं होगा इस लोकसभा का मुंह तक नहीं देखूंगा, हे तेरे किसी नेता में दम जो इस बात को कह सके, क्या कहना चाहता है। हमारा नेता भैरव सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री रहा, और तो जो लगा लगा आरोप लगा लगा ना, तो लगा सकता है। हमारा आपने देखा होगा सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, कैलाश जोशी मुख्यमंत्री रहा, अभी शिवराज चौहान है, अरे तेरी माँ ने दूध पिला लगा यार एक डब्बा लगा, बता। हमने जिस ईमानदारी से इस देश की सेवा करने का संकल्प लेकर काम किया है, फिर हम कहां कमजोर है यार, फिर क्या क्या तकलीफ है, किस कारण से मुकाबला नहीं हो पा रहा है और किस कारण से हम इस पते नहीं कर पा रहे हैं। मैं सोचता हूं मैंने हमारी एक एक योजना देखो यार, अटल बिहारी को 6 साल का राज मिला, हिंदुस्तान को सड़कों से जोड़कर अभी 6 लेन 6 लेन पे जब आए ना, लगता है यार ये अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, पहली बार हिंदुस्तान को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से जोड़ने का काम अगर कोई करता है और दिल्ली से पैसा भेजता है वो अटल बिहारी वाजपेयी भेज सकता है, तुम्हारी सरकार नहीं भेज सकती। क्या कमाल करके दिखाया, 1-7 वोट कम नहीं पड़ते ना और हम कमजोर नहीं पड़ जाते, तो 7 वोट की व्यवस्था में अगर दोबारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बनता और हिंदुस्तान की नदियां अगर जुड़ जाती तो हिंदुस्तान का भाग्य बदल जाता, पर पता नहीं ईश्वर भी क्या परीक्षा हमारी लेना चाहता है, लेगा कोई चिंता की बात नहीं। या तो हमारे पुण्य में कहीं कमी रही
जिसके कारण से हमको ये धक्का खाना पड़ा। लेकिन एक बार मौका मिलता तो आप देखा, यहाँ आपने देखा होगा कितनी योजना, फसल बीमा लागू कौन करता है, अटल बिहारी वाजपेयी, किसान क्रेडिट कार्ड कौन देता है, अटल बिहारी वाजपेयी, 18% को ब्याज को 9% पे कौन लाता है किसान को, अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हें किसान का लगान माफ करता भैरव सिंह शेखावत। आपने देखा 10,000 का कर्जा माफ कौन करता, भैरव सिंह शेखावत। बच्चों को मुफ्त किताबें 5वीं से 8वीं तक कौन देता है, भैरव सिंह शेखावत। और 12वीं तक की मुफ्त किताबें कौन देती है, वसुंधरा जय सिंधिया। प्रत्येक गांव को डामर से कौन जोड़ेगी, ये हर गांव में 1 10वीं का स्कूल होगा, कौन, ए वसुंधरा जय। यानी हम निर्णय करते हैं, जनता को दिल खोल करके हमने उस गांव का विकास कराया है, हमारे विकास का अपना एक मापदंड बना है, फिर हम कमजोर कहां हैं जिसके कारण से हम जनता का दिल नहीं जीत पा रहे हैं या जीतने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। मैं सोचता हूं आपकी बार का ये चुनाव हमारे लिए भी एक निर्णायक चुनाव होगा, और इसलिए आप सब कार्यकर्ताओं से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, अपने अहंकार को सीमित करो, जो भाग्य में लिखा होगा तो छत फाड़ के आएगा, और नहीं लिखा तो मर जा तो नहीं आएगा, क्यों बच्चा है, काहे को परेशान हो रहा है, काहे को परेशान हो रहा, क्यों दुखी हो रहा है, अरे तू अपना कर्म कर यार, फल देना ईश्वर के हाथ छोड़ दे, जो परिश्रम इसलिए करता है मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। आजकल तो जो पदाधिकारी 3 दिन मनता है वो कहता है मेरे को टिकट कब मिलेगा, वाह यार, एक बोलेरो गाड़ी आ गई जिसके पास कोई जमीन का 2-4 करोड़ रुपया आ गया, वही एक कैंडिडेट आगे पीछे हो गया था, क्या हो रहा है, तमाशा है, क्या चल रहा है, क्या इससे देश का भला होगा, हमारा भला, हम यहाँ क्यों जाना चाहते हैं, या तो हमारी इच्छा भी लूटने की है कि यहाँ बढ़िया माल मिलता है, बाकी क्या तगड़ा है, अगर तुझे सेवा ही करना है तो यहाँ नहीं जाए, न जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन भगवान जाने यार क्या हो गया सब कार्यकर्ताओं को, एक की जगह 10 तक सब एमएलए, हम एमएलए खूब साल रह गए, हमें तो कुछ नवाई दिखी नहीं, भाषण जरूर ठोक दिया होगा, विधानसभा में रिकॉर्ड हो गया होगा, गुलाब चंद का नाम अखबार में आ गया होगा, इससे गुलाब चंद वो 5 फीट 5 इंच का है, आज भी 5 फीट 5 इंच का ही है, 8 तो हुआ नहीं, क्यों अपने मन को छोटा करते हो यार, इतना बड़ा उद्देश्य लेकर के जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता बने, हम भाग्यशाली लोग हैं, हम ऐसे अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। मैं देवी बच्चानी जी को देखता हूं तो मेरा दिल गदगद हो जाता है यार, कोई समर्पण की भी सीमा होगी, कितना बुढ़ापे में इस उम्र में भी जिस आदमी ने जिस प्रकार से जीवन जिया है, क्या ये हमारे लिए एक आदर्श नहीं है, हमारे एक एक व्यक्ति ने, जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता रहा उसने अपने जीवन की पवित्रता से इस पार्टी को 10 कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, इसी कारण से तो यहां तक आए। मेरी प्रार्थना बंधु, आनंद जी को बहुत आग्रह था, आज तो लग रहा था कि हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारी विधानसभा का कुछ काम ऐसे ही उलझ गया कि शायद हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन पता नहीं प्रभु ने भी कृपा कर दी और बिजनेस व्यवस्थित चल पड़ा, हम यहाँ आ गए। मेरी आप सब कार्यकर्ता बंधुओं से है, ये लत्ती मार सौदा बंद करो, एक उद्देश्य लेकर के इस कांग्रेस का दफन करके ही लौट के आऊंगा, और जयपुर में भी झंडा गाड़ूंगा और दिल्ली में झंडा गाड़ने के बाद ही लौटूंगा, देखते हैं क्या होता है, प्रभु का आशीर्वाद जरूर मिलेगा ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जय भारत।